कार्यक्रम की शुरुआत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की शुरुआत और इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद दीप प्रज्वलन नई ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा राज्य गीत में हम सभी साथ गाएंगे साथ देंगे और इसके लिए मैं आग्रह करूंगी आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राज्य के सम्मान में राज्य गीत प्रस्तुत करें। मुख्य स्वर पीएन एंग्लो संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं करते हैं राज्य परियोजना निदेशक बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद श्री मनोज कुमार जी। शिक्षा परिषद
एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आयोजित इंस्पायर अवार्ड एवं कला उत्सव के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री आर एल चौंतू सर, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सत्येंद्र भूषण जी, किरण जी, शिक्षा माध्यमिक परिषद के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिनके सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद मैं विभाग के सचिव श्री आर एल चौंतू सर का स्वागत करता हूँ, साथ ही सभी 3800 जिले से आए हुए प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ। इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए एक साइंटिफिक टेंपर डेवलप करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर एक साल माध्यमिक स्कूल के बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन जिला स्तर पर करते हैं और जिला स्तर से चयनित होकर के राज्य स्तर पर आकर के उसका प्रदर्शन करते हैं और राज्य स्तर से जिन प्रतिभागियों का चयन होता है उन्हें दिल्ली जा कर के अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है और पूरे देश से लगभग 60 बच्चों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से ही जापान जा कर के वहाँ अन्य बच्चों और अन्य साइंटिफिक गतिविधियों को जानने का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम कल से ही आयोजित हो रहा है और इसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है और अपने ज़िले से जीत करके राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। उसी तरह कला उत्सव माध्यमिक स्कूल के बच्चों को में अपनी सभ्यता संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के लिए एक 4 विधाएँ चिन्हित हैं, उनमें अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है और सर को ये बताना चाहेंगे कि लगातार विगत वर्षों में बिहार का प्रदर्शन नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा रहा है और हम लोग कला उत्सव और इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1 नंबर 2 पे भी आए हुए हैं विगत कुछ वर्षों में। तो ये हमारे बिहार की प्रतिभा है, हमारे बच्चों की प्रतिभा है और हमारे शिक्षकों की लगन है जिसके माध्यम से ये प्रदर्शन आकर कर करते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जा कर के उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विजेता बन करके राज्य का नाम रोशन करते हैं। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएँ देता हूँ। जो बच्चे राज्य स्तर पर सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी और जो बच्चे किसी कारणवश उतना उमदा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए उनको भी, या आप स्टेट लेवल पे आकर परफॉर्म किए यही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। BMSP के तरफ से सभी आए हुए आगंतुक अतिथियों का भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बच्चों का प्रतिभा आपको पसंद आया होगा और उनकी सराहना भी आपके द्वारा की गई होगी, क्योंकि ये हमारे ही घर के बच्चे हैं, हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं। इनकी जितनी ज़्यादा हम इनको जितना ज़्यादा इनकरेज करेंगे उतना ही ज़्यादा ये उतनी ही अधिक ऊर्जा से उत्साह से नेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करेंगे और स्टेट और अपने ज़िले और अपने स्कूल के लिए लॉरेल्स लाएंगे। एक बार मैं पुनः सभी अतिथियों का, माननीय मंत्री का, माननीय सचिव महोदय का और सभी बच्चों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी, सर आपने कही विज्ञान के प्रति लगाव, विज्ञान के प्रति झुकाव और विज्ञान के लिए नए नए खोज माध्यमिक विद्यालय के बच्चों
मेरी यदि यह लगन है तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक बहुत ही सफलता हासिल करते हैं। और इंस्पायर अवार्ड का मुख्य विषय इस साल 2017 का है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्वस्थ काय निवारक उपाय। जी हाँ, हम प्रिवेंटिव केयर किस तरह कर सकते हैं और साइंस हमारा किस तरह इसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, यह विषय लेकर इस बार इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अब इसके साथ स्मारिका विमोचन। बच्चों के द्वारा लगाए गए प्रदर्श उसकी झलक है और बच्चों ने नए नए खोज करके किस तरह साइंस को और भी अधिक विकसित किया है, डेवलप किया है, इसकी इंस्पायर अवार्ड स्मारिका विमोचन। मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परिषद और ध्वज कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग। स्मारिका विमोचन इंस्पायर अवार्ड 2000। अपनी प्रतिभा एडिशनल सेक्रेटरी मनोज कुमार जी और VMSP के सारे ऑफिसर्स और यहाँ आए हुए सारे अतिथि और बच्चे, ये बहुत खुशी के दिन है ये जानकर कि आप लोग ने इस प्रतियोगिता को बहुत इंटरेस्ट के साथ भाग लिए हैं इतने बड़े संख्या में। और जैसे अभी हम लोग ने सुना था कि आगे और इससे बड़े नेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल फोरम्स तक आप लोग अपना टैलेंट्स को प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज हम लोग तो भले बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स देख पाए हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सब लोग को इस मौके का फ़ायदा उठा के अपना जो भी रुचि है, चाहे वो आर्ट्स के फील्ड में, कला के फील्ड में हो या साइंस में, आप उसको ज़रूर उसको परसू करें और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा के अपना अपॉर्चुनिटी लेके आगे आने दिनों आने वाले दिनों के बाद भी आप लोग कम से कम और अपना टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग ज़रूर हमेशा उस रुचि जो इंटरेस्ट है आपके 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 माइंड में, उसको कभी मत भूलिए। मैं सबको बधाई देता हूँ जितने प्रतियोगिता में भाग लिए हैं बच्चे, और जिन्होंने भाग भी नहीं लिए हैं, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो एक आप लोग को इंस्पिरेशन मिला होगा ताकि फ्यूचर में आप लोग भी भाग लेंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विभाग की ओर से भी। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी, बच्चों के लिए दो शब्द उनके उत्साह के लिए। इस समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित विभाग के सचिव श्री आर एल चौधरी जी, इस अवसर पर उपस्थित श्री मनोज कुमार जी राज्य परियोजना निदेशक, श्री सत्येंद्र भूषण राजक्रम पदाधिकारी, श्री सुरेंद्र कुमार राज कार्यक्रम पदाधिकारी RMSA, तथा इस अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए उनके शिक्षकगण और इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, मुझे आज के इस कार्यक्रम में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे राज्य में कला और संस्कृति के विकास के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों में एक भावना जगाने का काम किया है। हम समझते हैं ऐसे आयोजनों से एक नए हालात राज्य के अंदर पैदा होने की चेतना जगेगी और हमारे सारे विद्यालयों के जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं उनमें कला संस्कृति विज्ञान के प्रति उनकी जागरूकता और उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा
आप लोगों ने स्थानीय स्तर से प्रतियोगिता को जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका आयोजन होगा जिसमें यहाँ सभी लोग भाग ले सकेंगे। इस राज्य में आप स्वयं भी महसूस करते होंगे शिक्षा के प्रति एक नया वातावरण बना है, एक नई जागरूकता पैदा हुई है और पूरे राज्य में ऐसा लगने लगा है, ऐसा दिखने लगा है कि आने वाले दिन में हम एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो आलोचनाएँ होती थी, आज उसको चुनौती के रूप में लेकर के हम लोग इस ओर बढ़ चले हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस राज्य में, इस राज्य के बारे में जो लोगों की तस्वीर थी, जो लोग सोचा करते थे कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और श्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसकी प्राथमिकता है शिक्षा का विकास और हम समझते हैं आने वाले दिनों में आप स्वयं भी इसको महसूस करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है और हर क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे बिहार का मान सम्मान बढ़े और अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार भी पहुंच सके, इसमें हम आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो जागृति आज आप लोगों में आई है, जो नई चेतना आई है, उसके ताकत पर हम ये कहने की स्थिति में हैं कि आने वाला दिन शिक्षा का दिन होगा और बिहार में शिक्षा का जो मशाल जला है उसकी ज्योति तमाम जगहों पर फैलेगी और अंधेरा दूर होगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का के प्रति हम अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं, बधाई देना चाहते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि आने हमने प्रवेश द्वार पर भी बहुत कुछ देखा और उससे बहुत हमारी हमको प्रसन्नता हुई, हमारा हौसला बढ़ा, हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इन क्षेत्रों में। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग और अच्छा करके बिहार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार सर। ये थे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी। बहुत ही मोटिवेशनल बच्चों के लिए सर आपने कहा कि बहुत हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत करते रहिए और देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बच्चों के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़, बच्चों के लिए एक मोटिवेशन। अब कल की जो प्रतियोगिता थी, दो प्रतियोगिता थी, विज्ञान और कला, और दोनों का समावेश एक ही पंडाल में था। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी प्रदर्श थे और कलात्मक दृष्टिकोण से भी शिक्षा का प्रचार प्रसार और अलग अलग विधाओं की प्रतियोगिता। तो अब हमारा समय है पुरस्कार वितरण समारोह का। पहले मैं नाम बुलाऊंगी इंस्पायर अवार्ड के विनर्स को। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता राज्य स्तरीय कल प्रदर्शन के माध्यम से हुआ और इसमें जो पहले 20 प्रतिभागी विजेता प्रतिभागी हैं उन्हें नेशनल लेवल में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। पहले 20 प्रतिभागियों को, तो मैं एक एक करके नाम बुलाती हूँ बच्चों और आप एक एक करके आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि द्वारा आप पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पुरस्कार समारोह के पहले बच्चों में दो शब्द आपसे कहना चाहूँगी कि हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं, विद्यालय से हम सभी संबंधित हैं, या तो हम शिक्षक हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व होता है कि हम अनुशासित रहें। कुछ बच्चों के द्वारा कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जब यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं तो बच्चे आप अपनी जगह बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, तो शिक्षकों से भी आग्रह है कि थोड़ा बच्चों को देख लें और बच्चे आप अपने अनुशासन का परिचय दें। अलग अलग प्रमंडल से आए हैं और आपके प्रमंडल को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अनुशासन के साथ मैं आपका नाम बुलाऊंगी और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। सर्वप्रथम निशांत कुमार, RRHS बरबीघा शेखपुरा। निशांत कुमार दौड़ के आओ बच्चों।
आप पहले प्रतिभागी हो, प्रथम स्थान हो। निशांत कुमार आला एचएस बरबीघा शेखपुरा, जोरदार तालियां इनको बच्चों का प्रतियोगिता है। सारे बच्चे बड़े हुए हैं। उदित नारायण इंटर स्कूल हिसुआ नवादा, उदित नारायण इंटर स्कूल हिसुआ नवादा। तत्पश्चात आशीष कुमार सिरमढ़ी हाई स्कूल भागलपुर, आशीष कुमार सिरमढ़ी हाई स्कूल भागलपुर। दौड़ दौड़ कर आकर अपने स्टूडेंट होने का परिचय दो। मानसी कुमारी केदारनाथ गर्ल्स हाई स्कूल पटना, मानसी कुमारी केदारनाथ गर्ल्स हाई स्कूल पटना। साहिल राजा दौड़ के स्टेज पर आ जाओ। साहिल राजा रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर कटिहार। खुशबू कुमारी आरएसबी इंटर स्कूल समस्तीपुर। मैं जिनका जिनका नाम बोल रही हूँ दौड़ दौड़ के आप स्टेज पर आ जाइए। खुशबू कुमारी आरएसबी इंटर स्कूल समस्तीपुर। रवि रोशन हाई स्कूल मखदुमपुर जहानाबाद, रवि रोशन मखदुमपुर जहानाबाद। मोहित कुमार जवाहर प्रेम लाल हाई स्कूल बोरेहा सुपौल, मोहित कुमार जवाहर प्रेम लाल हाई स्कूल सुपौल। अनुज्ञा कुमारी सरसाया प्लस टू स्कूल भागलपुर, कहलगांव भागलपुर। अनुज्ञा कुमारी शारदा सांडिल्य दिल्ली पब्लिक स्कूल गया, शारदा सांडिल्य दिल्ली पब्लिक स्कूल गया। चेल्सी रानी हाई स्कूल के ताकी देव औरंगाबाद, चेल्सी रानी हाई स्कूल के ताकी देव औरंगाबाद। मुकेश कुमार इंटर स्कूल पकड़िया नवादा। इतनी थोड़ी ताली बजेगी बच्चों को कैसे होगा, ये काम नहीं होना चाहिए। मुकेश कुमार इंटर स्कूल पकड़िया, मनीष कुमार हाई स्कूल धमदाहा पीछे 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 आदित्य कुमार चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर बांका, बांका की तो आवाज अच्छी आई। आदित्य कुमार चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर बांका। मोहम्मद आलमगीर हाई स्कूल बालापुर बेलागंज गया, मोहम्मद आलमगीर हाई स्कूल बालागंज बेलापुर गया। अंजलि कुमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिलोकपुर रोहतास, अंजलि कुमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास। माघवेंद्र कुमार जीएम हाई स्कूल जहानाबाद, माघवेंद्र कुमार जीएम हाई स्कूल जहानाबाद। अनुष्का कुमारी आरएचएस बोरे शाहपुर समस्तीपुर, अनुष्का कुमारी पीछे 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 आरएचएस बोरे शाहपुर समस्तीपुर। सोनू कुमार यूएमएस मसौधा शेखपुरा, सोनू कुमार यूएमएस मसौधा शेखपुरा। खुशी गुप्ता अपग्रेडेड हाई स्कूल दलोहत पोटहा किशनगंज, खुशी कुमारी अपग्रेडेड हाई स्कूल किशनगंज। ये हमारे 20 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी कल के प्रतियोगिता के आधार पर और राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन हुआ है इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। जोरदार तालियां प्रतिभागियों के लिए। कल की प्रतियोगिता के आधार पर 2017 में ये 20 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे और हम सबों की शुभकामना कि वहां भी इनका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ इन 20 विजेता प्रतिभागी इंस्पायर अवार्ड 2017। अब कला उत्सव के बच्चे पीछे जाइए, पीछे जाइए। पूर्णिया प्रमंडल
आप रेडी रहेंगे ताकि हमारे समय की बचत हो। नृत्य कला में पूर्णिया प्रमंडल आप मंच के पास आ जाए। नृत्य कला पूर्णिया प्रमंडल आप मंच के पास आ जाए। गौरी आप मंच पर आ जाए। तत्पश्चात भागलपुर प्रमंडल नृत्य कला आप भी मंच के पास आ जाए। भागलपुर प्रमंडल नृत्य कला मंच के पास आ जाए। पटना प्रमंडल नृत्य कला आप मंच के पास आ जाए। अब मैं अनाउंस करती हूँ कला उत्सव 2017 के विजेता प्रतिभागी। विधान नृत्य कला तृतीय पुरस्कार जाता है पूर्णिया प्रमंडल। तृतीय पुरस्कार पूर्णिया प्रमंडल नृत्य कला। और इन प्रतिभागियों के नाम है करिश्मा सरकार, रोहिणी कुमारी, मेधा दास, श्रीजिता बसात, दिशा सिन्हा, आशा कुमारी, शिवानी और रीता कुमारी। विद्यालय का नाम बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज। पीछे विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज। बच्चों का नाम है करिश्मा सरकार, रोहिणी कुमारी। सभी प्रमंडल के बच्चे कृपया आप ताली बजाते रहे लगातार। मेधा दास और ये लगातार आते रहनी चाहिए। श्रीजिता बसा, दिशा सिन्हा, आशा कुमारी, दिशा सिन्हा, आशा कुमारी, शिवानी, रीता कुमारी। बच्चों के नाम करिश्मा सरकार, रोहिणी कुमारी, मेधा दास, श्रीजिता बसात, दिशा सिन्हा, आशा कुमारी, शिवानी और रीता कुमारी। विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज। नृत्य कला तृतीय स्थान। नृत्य कला में जोड़ी बिहार की त्रिपुरा राज्य के साथ। द्वितीय स्थान के विजेता आप फ्लाइंग बनाए रखें। भागलपुर प्रमंडल नृत्य कला द्वितीय स्थान। भागलपुर प्रमंडल मंच के पास आप फ्लाइंग बना कर रहे। टीचर इंचार्ज आपसे रिक्वेस्ट होगा भागलपुर प्रमंडल आप लाइन बनाकर मंच के पास रहे। और तत्पश्चात माननीय शिक्षा मंत्री के कर्तव्यों द्वारा सुमन कुमारी, जया कुमारी, सुमैया आफ्ताब, ब्यूटी कुमारी, सृष्टि कुमारी, खुशी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, तथा संदली कुमारी। नृत्य कला द्वितीय स्थान भागलपुर प्रमंडल। और विद्यालय का नाम रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया। रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया द्वितीय पुरस्कार नृत्य कला। पूरा हॉल शांत है क्यों बच्चों? ये अपेक्षा सुंदर से हो सकती है। प्रथम पुरस्कार नृत्य कला खुशी कुमारी। लाइन से बढ़ते जाइए। सुषमा कुमारी, रीना कुमारी, बबीता कुमारी, मनसा कुमारी और प्रीति कुमारी। ये प्रतिभागियों के नाम
आरती कुमारी, काजल कुमारी, खुशी कुमारी, सुषमा कुमारी, हिना कुमारी, बबीता कुमारी, मनसा कुमारी और प्रीति कुमारी। हम प्रथम पुरस्कार पटना प्रमंडल नृत्य कला और नृत्य में जूरी राज्य थे त्रिपुरा, बिहार की जूरी त्रिपुरा के साथ अरिंद